अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी मसालेदार सी चने बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी घर के मसालों के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं हाफ कप ऑयल गरम करूंगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद थिनली स्लाइस्ड प्याज और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें से आधे मैं निकाल के पेपर पे रख दूंगी, उसको मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूंगी। और रिमेनिंग में मैं यहाँ पर साबुत गरम मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल यानी स्टार अनीज़ और 1 तेज़पत्ता। और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू आने लग जाए। और यहाँ पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, इसकी भी 2 मिनट भुनाई करेंगे, लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 बड़े टमाटर। टमाटरों को गलने तक अच्छे से भूनना है ताकि मसाला अच्छा बन जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कप उबले हुए चने और उसको भूनेंगे 2 मिनट के लिए ताकि मसाला चनों को अच्छे से लग जाए। 2 मिनट भुनाई के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1/2 कप दही और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ऑयल सरफेस पे आ जाए। मसाला भुन चुका है, चने तैयार हैं। अब हम बॉयल्ड राइस के साथ इसकी लेयरिंग करेंगे। चावलों को आपने नॉर्मली जिस तरीके से बिरयानी के लिए 1 कनी छोड़ के उबालते हैं वैसे ही उबालेंगे। फर्स्ट लेयर चावलों की होगी, उसके ऊपर मैं चने की लेयर लगाऊँगी। चावल की लेयर के बाद चनों की लेयर हो गई है। अब मैं अगेन इस पे एक और चावलों की लेयर लगाऊंगी। अब इस पे फ्राइड अनियन की एक लेयर लगाएंगे जो हमने स्टार्ट में फ्राई करके निकाले थे, देन कटा हुआ धनिया और पुदीना डालेंगे और मैं इसमें ऑरेंज एंड रेड फूड कलर स्प्रिंकल करूंगी। एंड में इसमें 1 टीस्पून फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अर्चना बिरयानी इज़ ऑल सेट टू गो फॉर दम। 15 मिनट का दम देंगे, 5 मिनट शुरू के तेज़ आंच पे रखेंगे और रिमेनिंग 10 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे। हमारी मसालेदार मज़ेदार सी चना बिरयानी रेडी है। इसको हम फोक की हेल्प से मिक्स करेंगे ताकि चावल का दाना ना टूटे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप और अपनी फैमिली और फ्रेंड लिस्ट में ये रेसिपी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।